डिक्लेयर कर दी मुंबई में, और एक सीट जो है वो भी कहा कि हम लड़ेंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप, कह रहे हैं कि कांग्रेस को साइडलाइन किया जा रहा है मुंबई में, और जिस तरह से अभी पूरी बातचीत नहीं हुई और लिस्ट जारी कर रहे हैं। शिवसेना उबाठा ने जिस तरीके से मनमाने ढंग से मुंबई की 6 में से 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं, और मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 5वीं सीट यानी उत्तर मुंबई का भी कैंडिडेट वो कल परसों घोषित करने जा रहे हैं। इससे कांग्रेस के कैडर में भयंकर नाराजगी है, कांग्रेस का नेतृत्व जो मुंबई का है वो बहुत ही चिढ़ा हुआ है, और उसकी वजह से कांग्रेस का जो वोटर है वो भी नाराज रहेगा। ऐसे में सबसे पहले मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करूंगा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की और शिवसेना के इस फैसले के खिलाफ उनको एक भूमिका लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि शिवसेना ने जो उत्तर पश्चिम मुंबई में, जहां से मैं दावेदारी मजबूती के साथ करके खड़ा था, वहां से जो उम्मीदवार दिया गया था, वो व्यक्ति कोविड के जमाने में जो माइग्रेंट लेबर्स थे मुंबई के, उनके लिए जो एक मुफ्त भोजन खिचड़ी खिलाने का जो स्कीम था, उस स्कीम में उसने दलाली खाई है कॉन्ट्रैक्टर से, सप्लायरों से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच कर रही है, और मैंने सुना है कि आज भी ईडी की तरफ से उसको समन भेजा गया। तो ऐसे खिचड़ी चोर को शिवसेना जबरदस्ती उम्मीदवार बना रही है, उससे कांग्रेस के लोगों का मन बहुत आहत है। मैं भी नाराज हूं, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे जो नेगोशिएटर थे, जो शिवसेना के साथ एनसीपी के साथ सीट शेयरिंग वाली मीटिंगों में बैठा करते थे, उन्होंने भी कांग्रेस की भूमिका को शायद बहुत मजबूती से नहीं रखा। हालांकि आज मैंने देखा हमारे एक नेगोशिएटर ने कहा है कि शिवसेना को रीथिंक करना चाहिए, एक दूसरे नेगोशिएटर जो हमारी मुंबई की नेता है उन्होंने भी कहा है कि ये गलत है। तो ऐसे में शिवसेना ने जो कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश की है, और ये जो कोशिश है इससे कांग्रेस पार्टी को हमेषा के लिए मुंबई से खत्म करने का एक षड्यंत्र दिख रहा है, उसमें कांग्रेस को निकल के आना पड़ेगा। कांग्रेस के नेतृत्व को एक स्टैंड लेना पड़ेगा इस पूरी भूमिका पे। अगर कांग्रेस को बचाना है तो दो ही ऑप्शन है, एक तो हम अलायंस तोड़ दें, और दूसरा नहीं तो फ्रेंडली फाइट करें। जिन सीटों के ऊपर हमारा विवाद चल रहा है और जिन विवादों का अभी तक हल नहीं हुआ और शिवसेना जबरदस्ती कर रही है, उन सीटों के ऊपर शिवसेना की तरफ, अरे कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवार खड़े किए जाने चाहिए। उत्तर पश्चिम मुंबई में जो मैं कई विकल्पों को लेकर खड़ा हूं, उसमें पहला विकल्प मेरे समक्ष यही है कि आप फ्रेंडली फाइट के लिए हमको अनुमति दीजिए, और हम उत्तर पश्चिम से शिवसेना और जो भी बीजेपी या शिवसेना का दूसरा कैंडिडेट होगा उसके खिलाफ एक तीसरे कैंडिडेट के तौर पर मैं उतरूंगा। आपने कहा कि जो, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।